I'm not saying it's bad, but when you talk about ultimate love, it's the animals. सर मैं आपसे जाना चाहूँगा, गाने के एंड अगर आप अपने शब्दों में डिस्क्राइब करना चाहते तो क्या दिखाना चाहते हैं सर ऑडियंस को अपने गानों के एंड में? हाँ, गाने का यही मैसेज था कि जो प्यार होता है, प्यार में अगर कोई सेक्रीफाइस किस लेवल तक जा सकता है अपने प्यार के लिए, कि आप पूरे अगर पूरे वीडियो में अगर फर्स्ट से लास्ट तक देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि देर इज़ अ लाइक डिफरेंट स्टोरी, बट जब आप लास्ट का वो पोर्शन देखेंगे एंड उसके बाद आपको वो मैसेज दिखाई देगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज लाइक व्हाट वाज आवर थिंकिंग यू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस. सो ये गाने के जरिए यही था कि एक मैसेज जाए कि सिर्फ जो है प्यार करने का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, कभी कभी साथ छोड़ना भी होता है. कभी गाई गर्ल कैन फ्लरिश इन देयर लाइफ. बहुत सारे तरीके की लव स्टोरीज होती है जिसके अंदर सेक्रीफाइस जो करते हैं प्यार को, ताकि आप जिससे प्यार करते हैं वो लाइफ में उसको बढ़ने का मौका मिल रहा है, पर वो प्यार की वजह से खुद को पीछे रख रहा है. सो द रीज़न बिहाइंड दिस लव स्टोरी इज वेयर द गर्ल इज एक्चुअली गिविंग अप हर लव फॉर द लव. आप दोनों से जानना चाहेंगे, जैसे कि अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बैक टू बैक ऐसे म्यूजिक आते रहते हैं, तो आप दोनों के लिए कितना चैलेंजिंग है ऑडियंस को अपने सॉन्ग की तरफ कनेक्ट करना? और की बात अगर मैं करूँ तो गाना इटसेल्फ अनुराग और पलक ने जो गाना गाया है, जब पहली बार मेरे पास गाना आया था आई थिंक विदाउट एनी डाउट मैंने पहली बार सुनते बोल दिया था दैट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग, क्योंकि ऑल्सो आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ एकदम लवी डवी काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर मुझे वो कोटे करने का मौका मिला. और रही बात कैसे अलग तरीके से प्रेजेंट करना, वो एक टीम वर्क था. आई डेफिनेटली रिमेंबर अनुराग, मैं और विश्वा जी जो डायरेक्टर है और सिद्धार्थ, हम चारों जन बैठे थे. हम एक्चुअली रॉक बॉटम एक हिट किया था जहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कौन सी चीज़ के अंदर दिखाएं, जहाँ से जो एंगल से ना लड़की भी इविल लगे और ना लड़का भी इविल लगे, दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं पर सिचुएशन ऐसी आती है जिसकी वजह से उनको प्यार को गिव अप करना पड़ता है. सो वी सैट देयर ऑन द सेट जहाँ पे वो शादी का मंडप लगा था, वहाँ पे हम आधे पौने घंटे तक हम चारों बैठे थे और यही डिस्कस कर रहे थे कि कौन से पॉइंट पे ऐसा होगा. एंड सम हाउ यू नो द स्टोरी जस्ट ये मैच हो गई एंड एवरीथिंग जस्ट यू नो फेल इन प्लेस. थोड़ा तो मुझे पता नहीं, मेरे हिसाब से तो मैंने नहीं तोड़ा, सामने वाले के हिसाब से थोड़ा हो सकता है. हाँ ऑब्वियसली पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होते रहता है, मूव ऑन करना बहुत जरूरी है ये सब. अगर बात जैसे मैं करता हूँ आउटफिट की गाने की, अब आपकी शादी कब क्या बताना चाहिए ऑडियंस को? फिर भी कुछ तैयारी चल रही होगी आपका? इतनी ज़्यादा काम के अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट, काम की तरफ इतना ज़्यादा फोकस है कि प्यार को मैं जस्टिस नहीं दे पाऊँगी लाइफ के अंदर. मतलब कहीं ना कहीं कोई क्रिप्ट होगी कि काम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दे रही है कि तू कुछ पर ध्यान नहीं दे सकती, वो माई बॉयफ्रेंड इज और विल बी. जैसे आपने बात करी थी काम की, अगर बात करूँ अभी काम से आ रहे खतरों खिलाड़ी चल रहा है, अभी कोई दोस्त गए हैं वहाँ पे कुछ उन्हें पर बोला जाएंगे? आसिम के साथ मैंने काम किया है, ऑल द बेस्ट टू हिम, और जैसे लगता है कि वो बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करेगा बिकॉज उसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, और माशाल्लाह वो बिग बॉस करके आया है तो मेंटल स्ट्रेंथ तो है ही उसके अंदर, फिजिकल स्ट्रेंथ ऑब्वियसली वी ऑल नो ही. क्या वहाँ पर कोई सिद्धार्थ शुक्ला जैसा बन सकता है खतरों में, कोई इसका ऐसा बन सकता है कंट्री जैसे सिद्धार्थ था उसके? मतलब वो वैसा शो है नहीं वैसे कनेक्शन. Fans are always excited to see you in the project. They are eagerly waiting for when you are coming on the screen. Right but now, we are shooting for a film called Video Attack. It's an army-based film. And then, by the end of next month, I will start shooting. Lastly, I just want to tell that please गाने को आप सुनिए,
शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, अपने परिवार तक कि गाना एक ऐसा गाना सबको लगता है जिन सबने बनाया है कि लोगों तक पहुँचना चाहिए। प्लीज़ इसको एटलीस्ट सुनिए, बाकी आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, आई एम ऑलवेज देयर, वी आर ऑलवेज देयर टू लिसन टू दैट, बट एटलीस्ट सुनिए एंड शेयर कीजिएगा। खुदा के बंदे, भगवान के बंदे, ये गाना देखिए और शेयर करिए। थैंक यू विजुअल, थैंक यू।